जो लोग बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं वो बेचारे इस मायावी दुनिया में दुख के मारे होते हैं। भूत प्रवेश कर जाता है तो भूत निकलता नहीं, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटकते रहते हैं। और जो भूतों की योनि है, प्रेतात्माओं की योनि है, वो कर्म बंधन में आकर बहुत सताते हैं, बहुत दुखी करते हैं। कई बार तो उसकी है, वो घर की हालत इतनी कंगाल कर देते हैं, कहीं का नहीं रहता है इंसान। और भूत मजबूर करके उनको सुसाइड भी कराते हैं, भूत गयों में प्रवेश करके सुसाइड भी कराते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब, जब भूत मर जाता है, कोई भी मनुष्य आत्मा बहुत पापी है और जब मर जाता है तो मरने के बाद अंत मती सो गति, जब आत्मा की बुद्धि में अंत में ये लिखा है कि मुझे मरने के बाद उससे बदला लेना है, सारी जिंदगी बदले की भावना से जीता है, तो ऐसी तमोप्रधान आत्माएं मरती हैं तो भूत बनती है और बदला लेती हैं, तो बदला लेती है तो किसी के घर खानदान बदला करती हैं। मगर ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान देना भी चाहे तो भी वो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। इसलिए क्या करें, अगर ज्ञान ले और योग करें तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी। आत्मा में पावर चाहिए ना, ये भूत प्रेत क्या है कि तुम्हारी अगर कमजोर आत्मा है वो देखते तुम्हारा ओरा, जिस मनुष्य आत्मा का ओरा तमो प्रधान है, ब्लैक है, तो ही उसी आत्मा में शरीर में तंग करेगी। बाकी जिस आत्मा में शक्ति है, पावरफुल है, उसी को भूत प्रेत तंग नहीं करेंगे, उसे पास भी नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। जी ओरा देखते हैं ना, मनुष्य कमजोर आत्मा है तो तमो प्रधान ओरा है तो ब्लैक ओरा है। जो सतो प्रधान आत्मा है, कुछ भक्ति भी करते हैं मगर अच्छी भक्ति करते हैं, शिव की करते हैं या विष्णु की करते हैं, तो उसके पास ये आत्माएं नहीं जाती मगर तमो प्रधान आत्मा है। मगर जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में चलने वाला है, चाहे शिव निराकार को भी मानता है मगर एक को मानता है, शिव निराकार को लाइट को मानता है, गॉड इज लाइट को मानता है, एक को मानता है, इधर उधर भटकता नहीं है, तो भी शिव निराकार को मानने वाले के पास भी पावर थोड़ी आती है, या ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढ रहे हैं। आत्मा में कहीं ना कहीं से पावर चाहिए, पावर आएगा तो कारण शरीर चार्ज होगा, कारण शरीर चार्ज होगा तो सूक्ष्म शरीर में चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो ओरा अच्छा आएगा, ओरा अच्छा आएगा तो अंदर भूत जो घुसा हुआ है ना वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो पावर सहन नहीं कर पाएगा या अंदर से निकल कर भागेगा। इसलिए आत्मा को पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगी? पावर तो अब ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बिना किसी के पास पावर नहीं है, चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परमहाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स, सौ सौ बार परम परम महाशिव बोलो, ऐसे किसी के पास पावर नहीं है। इसलिए बेहद के विश्व की हालत बहुत खराब है। इसलिए हर ये जो केवल ये धरती पर है ऐसा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये भूत प्रेताओं की हालत है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब मुक्ति मांग रहे हैं, मोक्ष मांग रहे हैं, हर जगत चिल्ला रहे हैं मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो। इसलिए इनका एक ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, आत्मा में पावर कहाँ से आई वो सोचना चाहिए, और ज्ञान मार्ग में चले तो योग करें, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग ले, पावर ले, आत्मा में शक्ति आएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, ओरा ठीक हो जाएगा, ओरा ठीक हो जाएगा तो भूत अंदर से निकल जाएंगे और तुम्हारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे। परम शांति।